बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो केटीएल में मैं आज आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में से हाजिर हूँ। तो आज मैं आपको डार्क नेक के लिए, डार्क पैचेस के लिए, नकल्स के लिए और बहुत से डार्क पार्ट्स जो आपके बॉडी पर होते हैं जिनको आप शेयर नहीं करते किसी के साथ, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त सा आज स्क्रब बनाऊंगी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली, वीडियो को फुल देखिएगा। तो चलिए अपनी आज की हम वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए वो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को मस्ती प्रेस की ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अपनी आज की हम अमेजिंग वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है क्योंकि आप समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी बॉडी पर से स्किन पर डार्क पैचेस बन जाते हैं जो कि प्रेगनेंसी की वजह से या किसी और हार्मोनल चेंजेस की वजह से या जेंट्स में बहुत ज़्यादा धूप में काम करने की वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, डार्क हो जाती है। इसके अलावा आपके फिंगर्स के जॉइंट्स होते हैं, आपकी एल्बोज होती हैं, आपकी नीज होती हैं, आपके जो नकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, नेक बहुत ज़्यादा डार्क होती है, आपके प्राइवेट पार्ट बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। तो इसको कैसे ट्रीट किया जाए, इसको कैसे अवॉइड किया जाए, इसके लिए बहुत ज़बरदस्त रेमेडी लेके आई हूँ। सबसे पहले आपने लेनी है मसूर की दाल, ये आपको आसानी से मिल जाती है, ये घर पर ही अवेलेबल होती है। इसका तकरीबन आपने जो है 1 टीस्पून लेना है। इसके बाद आप इसमें लेना है चावल, चावल का पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं या फिर साबुत चावल भी इसमें आप 1 टीस्पून के बराबर ऐड कीजिएगा। इसके बाद हम लेंगे इसमें चने की दाल, चने की दाल भी आपको घर से ही मिल जाएगी। तीनों चीज़ें जो चने की दाल है वो भी आपने 1 टीस्पून लेना है। ये तीनों चीज़ें हम वजन लेके आपने इनको अच्छे से पाउडर बना लेना है। और पाउडर बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसमें ऐड करना है आपने रॉ मिल्क ऐड करके आपने इसका एक पेस्ट बना लेना है। इसके बाद इस पेस्ट के साथ आपने अपने इन पार्ट्स की जो है स्क्रबिंग करनी है, अच्छे से 10 से 15 मिनट स्क्रबिंग करनी है। आप इसको स्क्रबिंग करने के बाद आप इसको वॉश करके कोई भी अपनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लीजिएगा। आप इस पाउडर को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर सेव कर सकते हैं, किसी 8 जार में बनाकर सेव कर लें और इसको डेली बेसिस पे यूज़ करें। आप 1 से 2 एप्लीकेशन के बाद देखेंगे कि आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस फील हो जाएगा। कंटिन्यूसली इसको यूज़ करने के बाद आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, आपके जो भी डार्क पार्ट्स हैं वो है आपकी स्किन के साथ मैच होने लग जाएंगे और कंटिन्यूसली यूज़ करने के पार्ट्स जो हैं फेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।